यहाँ पर जी मैंने सुबह सुबह ही लगा लिया मशीन, अभी 7 का टाइम है, मैंने कहा जाना है मैंने 9 बजे, तो कपड़े जो है ना ये मैं धो के जाती हूँ, ये 2 पो रह गया, यहाँ पे एक मैंने निकाल लिया और एक ये अंदर धुल रहा है, तो अब जल्दी जल्दी से इनको धो के नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। और यहाँ से मैंने सारा सेन साफ किया, झाड़ू वगैरह लगाया, ये देखे पूरा सेन साफ सुथरा किया है, टाइम ही नहीं मिलता आकर के कोई काम कर ले, बस ये होता है कि खाना बना लूँ दोपहर का या ये व्लॉग बना लूँ, तो आज मैंने कहा सुबह ही जाते जाते ये सारे काम कर गए ना, यहाँ से मैंने सारे खलारे समेटे हैं। तो अब फातिमा जो है ना उसने कूड़ा वाले को कूड़ा उठवाया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जॉब से जाने से पहले मैंने कहा मैं ना कपड़े जो है ना एक हफ्ता हो गया वाशिंग मशीन नहीं लगाई थी, ये लगा लूँ। कौन हले ले आने से कूड़ा भाई, मैं तो क्या ले लिया, यहाँ पे भाई कूड़ा लेके गया तो कहता बाजी ये फालसे का दरख्त है, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई मेरा तो कलियां का भी उधर पिया हुआ है, कह रहा नहीं बाजी ये फालसे का है, मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊं, कहना बाजी ना बनायो, मैंने कहता मुझे पता है अपने चैनल बनाया हुआ है तो ना मेरी ना बनाना, मैंने कहा चलो ठीक है नहीं बनाती। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो कपड़े हैं ना इनको वॉश कर लूँ, एक तो हमारा पाइप भी टूट गया ये ना, मेरे ऊपर ही सारा पानी आ जाएगा, पाइप मैंने चला दिया, मैंने कहा इनको ना खंगालती हूँ और ये भी निकलने वाले हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी से कपड़े वॉश करके तो फिर मैंने ना तैयारी करनी है जाने की, अब मैंने सूट ही प्रेस करना है अपना, वैसे मैंने बैग वगैरह हर चीज़ अपनी बैग रखी हुई है, सूट प्रेस करना है फिर पहनना निकल जाना है, एक आधे घंटे से पहले मैंने आज पहुँच जाना क्योंकि ये पास ही बैठना है, आज जो एरिया है ना हमारा ये मेरे घर के पास ही है, 10 मिनट लगेगा मुझे जाने में, तो मैं चल के ही जाती हूँ और चल के ही आती हूँ, और 2-3 घंटे जो है ना हमारा काम होता है, जो एग्जैक्ट हमारा टाइम है ना 3 घंटे में हमारा काम ना ख़त्म हो जाता है, ऐसे हम फुर्ती के साथ मैं और वो बाजी मेरे साथ जो है ना करती हैं काम। तो यहाँ पे मेरे मियाँ मिठू पड़े हुए हैं, इनको मैं बाहर ला के थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, ये इधर पड़े हुए हैं, उनको ना मैंने कल से पराठा डालना शुरू किया, ज्यादा शौक से खाते हैं, ये देखिए अब खेल रहे हैं सारे, ये अब बैठे हुए हैं, अभी मैंने इनको ना पराठा बनाया था तो वो डाला था, ये मैं ढक्कन के ऊपर ही डाल देती हूँ, फिर खाते रहते हैं, कभी पींग झूलते हैं, कभी स्टिक पे आके बैठते हैं, और बिल्ली इतने हमले करती है ना इन पे, वो अल्लाह ही बचाई जाता है, वो इधर से आके मारती है, इधर से आके ऊपर चढ़ती है यहाँ से, लेकिन वो दरमियान में वो बहुत महफूज है, और ये पिंजरा बहुत मजबूत है, मैंने ना ये सोचा था कि अगर ये तोते वगैरह जो है ना मर गए तो मैं मुर्गियाँ पाल लूँगी इस पिंजरे में, मेरे बच्चे कहते मम्मा आपने पहले ही सोच लिया था, मैंने कहा भाई पिंजरा मुझे बहुत मजबूत नजर आया, मैंने यही फिर सोच लिया। जॉब पर मैं जा रही हूँ, ये रास्ते में हूँ, तो आज ना 9 बज गए, 9 से ऊपर का ही टाइम है, लेट हो गई हूँ, तो ये मैं शॉर्टकट जो रास्ता मैंने अपनाया हुआ ना यहाँ से ही जाती हूँ, यहाँ पे इस गलियों में इन गलियों में जाना है, तो मेरा डेली यहाँ से गुजर होता है आते जाते, तो अब मैंने कहा चले ना फटाफट मैं भाग के जा रही हूँ, तो जैसे ही पहुँचूँगी तो काम हमने स्टार्ट कर देना, ये सारा शॉर्टकट इलाका है, बाहर बाहर से जाऊँ तो बड़ा मुझे चलना पड़ता है, लेकिन मैं आती इधर से हूँ और जाती भी इधर से हूँ, तो ये गलियाँ हैं जिधर हमने काम करना है, अभी जाती हूँ किट स्टेशन पर जाके अपनी वो लेती हूँ 0 डोज बुक और काम फिर स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने ये वाली गली जो है ना स्टार्ट की हुई है, एक लाइन हमने कर ली है और करनी क्या टीके लग रहे लगवाना तुसी? लगना टीका थोड़े घर किसी ने तेन ला दिए नहीं लगवा ला नहीं। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, एक बच्चा आया वो पूछ रहा है कि ये मैं कह टीके लग रहे हैं तो चले गए बेचारा, मुझे सीधा सा ही लगता था, तो अब वो जा रहा है वो कैन और फट्टी मेरा ख्याल बेचने जा रहा है, तो देख ले इसको पता था ये शीट जो है ना लिख रही है तो है क्या पोलियो है या टीके हैं, इनको सारा ही पता होता है ऐसे बच्चों को हर चीज़ का। तो चले बाजी का वेट कर रही हूँ आती है तो फिर अगला जो है ना अगली गली स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ये वाला हिस्सा हमारा रह गया और ये वाला जो है ना ये कम्प्लीट हो गया, तो अब देखें कितना करना है आगे काम, तो ऐलान अब हमारा होने लगा क्योंकि ऐलान इसलिए लेट हो गया कि चाबी किसी के पास थी तो वो दे नहीं रहे थे, तो अब मैं किसी के घर जाकर चाबी लेके उनको दे के आई हूँ, ये हमारे जो है ना फासिटिकों का ऐलान स्टार्ट हो गया है।
काम जी हमारा इस गली का हो गया खत्म, बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। और ये रह गई है, ये हमारे सारे जो है ना घर हो गया खत्म। तो अब हमने रिविजर डालना है, तो रिविजर करते करते हम लोग सेंटर पे जाएंगे और जाके अपना काम ना वहाँ पे एंड कर देंगे। तो चलें जी बाकी का वेट करें। ये गली जो है ना लास्ट में जो आखिरी घर था वो मैंने कर लिया। ये जी काम हो गया था खत्म, तो अब मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तो मैंने कहा चले ना आपको दिखाते हैं कि ये जो शॉर्टकट मैंने ढूंढा हुआ है कितना गंदा इलाका है, लेकिन फिर भी मुझे आसानी हो जाती है। मैंने ना फिर भाग भाग के ना 10 मिनट में मैंने उन गलियों में जाना है जो सामने है। इधर से फिर मेरा घर जो है ना नज़दीक पड़ता है, एक गली आ गई है घर, रोड आ जाएगा तो रोड की आ गई फिर मैंने जाना है। तो ये आज साथ वाला ये इलाका था घर के साथ, फिर तकरीबन 2-3 गलियाँ छोड़ गई है। तो कल भी मैंने इधर ही काम करना है, ये सामने जो गलियाँ हैं। तो अब मैंने कहा चलें छुट्टी हो गई आपको दिखाते हैं कि अब मैं घर जा रही हूँ वापसी, और बच्चे जो है ना स्कूल से आने वाले हैं। तो जाते जाते मैंने सब्ज़ी भी लेनी है, और दिल कर रहा है कि मैं ना आज अरवी और चिकन लेके जाऊं, वो बनाती हूँ। अब जाती हूँ और रास्ते से लेती हूँ सब्ज़ी, और फिर जाके फटाफट से मैंने सालन बनाना है और रोटियाँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा एरिया है, ये तो तकरीबन यहाँ पे एक टोन बन सकता है। पीछे तो मैंने सुना था कि यहाँ पे मिट्टी डलवानी स्टार्ट कर दी है, तो ये अब कोई कलोनी कटेगी, लेकिन जब ये कटेगी तो बहुत ही ज़्यादा इसमें घर होंगे। ये सुबह मैं कपड़े सारे धो के गई थी, तो अब सूख चुके हैं, अब उतारूंगी इनको थोड़ी देर तक। ये सारी तारें मैंने भरी हुई हैं, हाँ जी इधर वाली भी तारें भरी हुई हैं। अब मैं बनाने लगी थी सब्ज़ी लेके आई हूँ, अरवी और चिकन जो है ना वो भाई कह रहे मैं दे के जाता हूँ। तो मैंने प्याज लहसुन और अरवी छील लेती हूँ, लीमू भी लेके, मैंने कहा लीमू डाल के ना खा जो है ना सही लगता है सालन। और ये मैं चकोतरे लेके आई थी, ये फातिमा को इनका नाम ही नहीं आ रहा। फातिमा ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं? बूजा। बूजा ये चकोतरा होता है, चोकड़। क्या है? चोकड़। चलो ये मैं लेके आई हूँ, मैंने कहा चले बच्चियाँ मेरी ये खाती है शौक से, मैं ले ही जाऊँ आज इनको खिलाते हैं। तो चलें जी सब्जी जो है ना प्याज लहसुन और ये अरवी जो है ना इसको मैं बना लूँ, और ये तोतों को डालती हूँ थोड़े से ये जो है धनिया के पत्ते, ये खाते हैं। मम्मा ये खाते भी हैं? ये मैं करके देती हूँ, पर मुझे ना ये वाला काम करने दो, फिर मैं आपको ये भी कर देती हूँ। अब नहाई थी मेरी फातिमा, आज अच्छी बच्ची बन गई है। और ये लीमू जो है ना छोटे छोटे लीमू के बच्चे लग रहे हैं मुझे, लीमू नहीं लग रहे। ये देखे जी मम्मा देना, ये छोटे बच्चे नहीं है। हाँ ये लहसुन भी फटाफट मसाला पहले रख दूँ मैंने ना सालन बनाना है। सालन ना मेरा दिल करता है सुबह बना के जाएगा, मैं तुम्हें सब्जी लेके नहीं आती, हर दफा ऐसे ही कह रही थी मैं बना के जाऊंगी। चलो ये छीले गुल्लक। जल्दी जल्दी से बना के ये लहसुन प्याज अंदर लेके चलते हैं कि इधर वाले चूल्हे पे बनाऊं आज। इधर ना रख लू चूल्हा, फातिमा इधर रखे चूल्हा। यहाँ पर मैं अरबी को फ्राई करना मैंने शुरू कर दिया है, और इधर मैंने मसाला लगाया हुआ है, ये वेट लगाया हुआ है मसाले के लिए। और ये चिकन मैंने धो के रख लिया है, छोटे छोटे पीस करके ना फिर ये मसाला जो डाल गया ना इसमें डाल के, तो अरबी बॉईल करके ना ये फिर भून दे तो सालन हमारा तैयार हो जाएगा। ये आज मैं ना इसमें तरीके से बना रही हूँ अरबी और चिकन में, पहले मैंने कभी नहीं सब मैंने कहा आज ना ये तेज करके देखती हूँ कैसे बनते हैं। चिकन को मैंने इसी में डाल दिया, मैंने कहा इसको भी साथ ही फ्राई कर लेती हूँ ताकि हमारे टाइम की जो है ना बचत हो जाए, और बच्चे बेचारे भूख भूख कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से मेरा यही इरादा है कि सालन जो ये फ्राई हो गया तो रोटियाँ बनाऊँ, और यहाँ पे सालन हमारा तैयार ही करेगा। अब इसको मैं कर लेती हूँ फ्राई दोनों चीज़ों को, अभी और चिकन को। या एक मिनट जो डिश है मैं बना रही हूँ, मैं पहली दफ़ा ही मैंने ये फ्राई की है। यहाँ पर जी मैंने सालन कर लिए तैयार, अरवी और चिकन का, और साथ बना लिए रोटियाँ। तो अब खाते हैं खाना, और ये थोड़ा सा प्याज मैं ना इनको छील के तो साथ रखती हूँ। और यहाँ पे बहुत ही यम्मी सा हुआ है तैयार हमारा सालन, तो ये मैंने निकाल लिया है। और बाकी जो है ना इसको मैंने इधर रखा है,
इसको ढक देती हूँ तो बाहर ही बैठ के खाते हैं खाना। हाँ जी, खाना वगैरह हमने खा लिया है, तो अब मैंने बनाई थी चाय, अभी पीनी है, तो मैंने कहा चले अब ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। ये मैंने जो आपके साथ आज अपनी पूरे दिन की जो रूटीन है वो शेयर किया है, जॉब पर जाना, पहले का काम, जॉब का काम, और वापसी जो घर आके काम करना है वो वाला। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो आप कमेंट्स भी किया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें, कोई बात नहीं, इससे आप लोगों का तो कुछ नहीं होता, चले मेरा ही भला हो जाएगा। इतना अरसा हो गया मैं लगी हुई हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो अभी तक मुझे ना कोई कामयाबी जो है ना नज़र नहीं आ रही। तो चलें जी, यही थी वीडियो आज की, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।